Assalamualaikum, grade 6. कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई इंग्लिश लेसन स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लेसन लेसन नंबर नंबर के बारे में lesson number 3 हमारा होगा ग्रामर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है जी तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन्स नाउंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इस बात का लफ्जी मानी ये है कि एक ऐसी नाउन जो काउंट की जा सकती है और एक ऐसी नाउन जो अनकाउंटेबल है मतलब काउंट नहीं की जा सकती तो जल्दी से अपने जहन में कुछ नाम दौड़ाएं और मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कौन सी ऐसी चीजों के नाम हैं जिनको हम गिन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेबल्स आप बता सकते हैं कितने टेबल्स हैं वन टू थ्री फोर नंबर्स में बता सकते हैं ओके okay. अगर मैं आपसे कहूं कि आप शुगर को काउंट कर दें तो क्या आप बता सकते हैं कि एक शुगर इतनी सी कैसे होती है नहीं उसको मेजर कर सकते हैं काउंट नहीं कर सकते यानी मेजर किस तरह कर सकते हैं एक जार में किसी बॉटल में किसी स्पून के अंदर पर क्या आप लिटरली उनके एक एक दाने को गिन सकते हैं नहीं तो इस तरह की नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते चाहे वो फिजिकल है चाहे वो नॉन फिजिकल है वो सारी की सारी नाउन क्या कहलाती हैं अनकाउंटेबल अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने जिस तरह से ये पढ़ा होगा कि जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते no. For example, happiness. क्या आप फाइव कि खुश हैं या टेन खुश हैं नहीं या इसी तरह जब हम देखते हैं कि बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो ऐसी नाउम्स को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं लेकिन ये बात तो हमें समझ आ गई अब डायरेक्टली आप यहां से यहां आ जाएं ये बात आपकी बुक में एक बबल में लिखी है समटाइम्स वी कैन मेक एन अनकाउंटेबल नाउन इन टू काउंटेबल नाउन बाय एडिंग एन आर्टिकल बिफोर इट एंड मेकिंग इट स्पेसिफिक क्या होता है कभी कभी हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज कर देते हैं क्या लगा के आर्टिकल लगाते हैं ठीक है बिफोर इट आर मेकिंग इट स्पेसिफिक उसको आर्टिकल लगाने के बाद आप खास बना देते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ एडवाइस तो जो अ लगा है इसका मतलब है एडवाइस तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अनकाउंटेबल है लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें कितनी नसीहतें की हैं एक दो तीन अगर आप एक नसीहत की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस इस बात का मतलब ये है कि आपने इसको क्वांटिफाई कर दिया काउंटेबल बना दिया क्या ऐड करके आर्टिकल ऐड करके क्या ये बात आपकी समझ में आ गई वेरी गुड अब इस बात को जहन में रखते हुए हमने अगली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है एक बात बच्चों गौर से देखें आपकी बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को आगे पीछे करके दिया हुआ है यानी उनकी नंबरिंग या नेम्स आगे पीछे हैं। For example, सबसे पहले लिखी गई है। है, का भी हो सकता है। लेकिन आप confused ना हो। इसीलिए मैंने यहां पर जिस तरह आपकी बुक में दिया गया है, है, है? वैसे ही किया ठीक सबसे पहले हमने बात करनी है प्रैक्टिस बी के बारे में प्रैक्टिस बी क्या है बाय फिलिंग इन अकाउंटेबल नाउनबल नाउन फ्रॉम वर्ड्स गिवन बिलो यू मे नेसेसरी

उड़ती हुई तस्तरी या जिसको आप क्या कहते हैं एक स्पेसशिप का नाम भी आप देते हैं तो क्या ये काउंटेबल है बिल्कुल काउंटेबल है हम सी एन लिख देते हैं काउंटेबल नाउन ओके अच्छा जी उसके बाद है? बिल्कुल है सी एन काउंटेबल नाउन पीपल क्या पीपल काउंटेबल है ओके पीपल को हम काउंटेबल में भी यूज करते हैं और अनकाउंट में भी ये आपने बात याद रखनी है ठीक है अच्छा जी साइट जगह जगह क्या है अनकाउंटेबल ओपन ग्राउंड अनकाउंटेबल पुलिस अनकाउंटेबल एरिया अनकाउंटेबल ओके अच्छा जी अब ये जो टेक्स्ट आपकी बुक में यहां लिखा है मैं उसको पढ़ के आपको बताती हूँ और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कहां पर किस वाले अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन की हमें जरूरत है और कहा हमने आर्टिकल्स एड करने हैं ओके okay जी वन डे वेरी अक्यूलियर अम्ब्रेला शेप्ड ऑब्जेक्ट इन द स्काई एक दिन एलिस ने क्या देखा एक बहुत ही अजीब अम्ब्रेला की यानी छतरी की शक्ल जैसा एक ऑब्जेक्ट कहा देखा आसमान में इट वॉज डैश ये क्या था यहाँ से वर्ड चूज करें इट वॉज अ फ्लाइंग सॉसर सबसे पहले तो आप ये देखें यहां पर हम लिखते हैं फ्लाइंग सॉसर अब मुझे बताएं कितनी सॉसर वहां पे थी एक थी दो थी तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए क्या आर्टिकल यूज करेंगे समझ आ गई सबको? All right. Soon it came and landed in dash. ये जल्दी से आगे को आई और कहा लैंड कर गई इन डैश इन यहां पर लिख सकते हैं हम ओपन ग्राउंड या इसके अलावा साइट ओपन ग्राउंड इन ओपन ग्राउंड पहले आप लिखेंगे अपनी नाउन

दे रिपोर्टेड द मैटर टू डैश टू पुलिस अब यहां पर आप पुलिस का वर्ड लिखेंगे लेकिन पुलिस की पूरी की पूरी फोर्स की बात हो रही है तो हम इसको स्पेसिफिक यानी खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहां एड करेंगे दी दे रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस वेन द पुलिस नियर यानी ज्यादा करीब आ गई नियर द साइट साइट लिखते हैं साइट मतलब जाए वकुआ यानी जिस जगह पे कोई भी मैटर या इवेंट हो रहा होता है या हादसा होता है नियर द साइट दे हियर डैश क्या सुनाई दे रहा था उनको पेक्यूलियर साउंड अब मुझे ये बताएं कि एक साउंड है कि ज्यादा साउंड्स हैं. तो हम कहते हैं अपक्यूलियर साउंड क्योंकि एक साउंड की बात हो रही है ठीक है क्वांटिफाई कर दिया

यहाँ पे हमारे लिए पीपल से पहले कोई भी आर्टिकल लगाना जरूरी नहीं है ठीक है यहाँ तक ये यह बात सबको समझ आ गई और सबने फिल कर ली अच्छा एक बात आप और देखें आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो नाउन लिखी हुई है ये प्लुरल है, है क्या है कैसे पता चलेगा देखें अगले सेंटेंस से हम देखते हैं जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेक्यूलर साउंड की तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये साउंड है या साउंड्स है आप अगले वाला जो प्रोनाउन है उसको देखें इट लिखा है

चीज जिसको सूप के साथ सर्व किया जाता है जो क्या है ब्रेड के या डबल रोटी के या रोटी के छोटे स्क्वेर पीसेस हैं ओके नंबर टू इज़ अ काइंड ऑफ डैश यूजली सर्व विद डैश एट डैश मिजेली क्या है इट्स अ काइंड ऑफ सीरियल यूजली सर्वड विद डैश एट डैश सर्व्ड विद मिल्क एट ब्रेकफास्ट okay it is a dash consisting of dried dash and fruits it is a mixture consisting of dried nuts and fruits Take. हो all right number 3 a democracy is a dash of dash in which everyone in the dash can vote democracy kya hoti hai it's a dash of dash it's a system of government सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरी इन द कंट्रीज राइट टू वोट नंबर डैश अबाउट डैश डिटेक्टिव क्या होता है या कौन होता है अव इज अ पुलिस ऑफिसर हम यहाँ लिखेंगे इज अ पुलिस ऑफिसर क्योंकि सिंगुलर है ना

अनकाउंटेबल आपने इन सेंटेंस को मेरे साथ पढ़ना है और फिर आप बताएंगे कि क्या ये काउंटेबल है क्या ये अनकाउंटेबल है स्टडी करते हैं नंबर वन अज बर्ड डाइव इन टू वॉटर लार्ज बर्ड क्या बर्ड काउंटेबल है हम लिखते हैं सी एन मीन्स काउंटेबल नाउन टू दी फ्लावर्स आर लवली क्या फ्लावर्स काउंटेबल है वेरी गुड सी एन मीन्स काउंटेबल नाउन नंबर थ्री

थैंक यू सो मच वॉचिंग टूडेज लेसन, लेसन, लेसन स्टेप स्टेप so अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो कि होगा लेसन नंबर फोर के बारे में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह